धन्यवाद। तो आज हमारे साथ डॉक्टर सौरभ शाह हैं। इनका एक छोटा सा परिचय देते हुए, डॉक्टर सौरभ शाह ने अपना बीएचएमएस सीएमपी होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज से किया है। इन्होंने अपने एमडी मास्टर्स काका साहेब महासके होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज से करा है। ये स्पेशलिस्ट हैं इन मैनेजमेंट ऑफ ओबेसिटी, गायनेकोलॉजी एंड पीडियाट्रिशियन पीडियाट्रिक्स में। इन्होंने काफी इनफर्टिलिटी केसेस भी हैंडल करे हैं। प्रेगनेंसी केसेस में ये काफी एक्टिवली इन्वॉल्व हैं, जहाँ पे ये सेफ डिलीवरी एंड पोस्ट पार्टम मैनेजमेंट करते हैं। इनका उनकी काफी रुचि है, इंटरेस्ट है पीडियाट्रिक्स में, जहाँ पे ये इन्फेंट से लेके हर एज के पीडियाट्रिक पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। हमारे कोविड लॉकडाउन टाइम में इन्होंने कोविड पायनियर मैनेजमेंट ऑफ कोविड केसेस एंड कोविड कॉन्टैक्ट केसेस इन थ्रू होम्योपैथी, जहाँ पे इन्होंने 2000 से ज्यादा कोविड वॉरियर्स को होम्योपैथी दवाई देके उनका सहयोग किया है मुंबई एरिया में, मीरा भाईंदर एरिया में। इसके अलावा इन्होंने काफी जाने माने होम्योपैथी डॉक्टर डॉक्टर गजानन धनीपकर के साथ काम किया है। एंड इसके अलावा ये म्यूजिक में रुचि रखते हैं, जहाँ पे इन्होंने एक बेसिक कोर्स किया है सॉन्ग अकेडमी से। तो डॉक्टर सौरभ शाह, आपका बहुत स्वागत है और हम धन्यवाद करते हैं कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे साथ जुड़े हैं इस सेशन के लिए। तो सर, ओवर टू यू नाउ। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी। दिस इज माय सेकंड सेशन आईएफपीएच के साथ में, एंड बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा आप लोग के साथ में। एंड बहुत अच्छा लगता है बेसिकली के इतने से डॉक्टर्स आज अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पा रहे हैं और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आप दे रहे हो। ये बहुत यूनिक चीज है, बिकॉज काफी बार कैसा होता है, हम जब प्रैक्टिस में रहते हैं वी आर नॉट एबल टू रिमोट टाइम फॉर अ रेगुलर लेक्चर्स, बट आज आप लोग के इंस्पिरेशन के थ्रू हम हमारे क्लिनिक की चीजें आप लोग को शेयर कर पाते हैं, जो नॉर्मली खाली बड़े डॉक्टर्स सेमिनार्स वगैरह में रहते हैं, बट यहाँ पर आप एक ओपन अपॉर्चुनिटी देते हो सभी जनों को कि दे कैन शेयर देयर ओन एक्सपीरियंसेस व्हाट दे आर सीइंग इन देयर क्लिनिक्स। एंड यही बात रही है हमारे मास्टर्स की, वो टाइम पे वो उनके ऑथेंटिक चीजें शेयर करते थे, छोटे छोटे नुएंसेस होते थे। अगर मैं ओल्ड जर्नल्स वगैरह में देखता हूँ, जर्नल्स वगैरह, ऐसी ऐसी चीजें उन्होंने लिखी है बहुत सिंपल लैंग्वेजेस में कि हर एक जन समझ जाए। वो टाइम पे कोई शोशा वगैरह नहीं था, बहुत सिंपल लैंग्वेज में उन्होंने सभी चीजें मेंशन की है, जस्ट सो दैट द कम्युनिटी एज अ कम्युनिटी वो चीज लोगों तक पहुंचे एंड होम्योपैथी स्प्रेड हो। सो आई वुड लाइक टू थैंक वंस अगेन आईएफपीएच टीम पूरी की पूरी। आप लोग बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो इन चीजों के लिए एंड फॉर द प्रमोशन ऑफ होम्योपैथी। आई रियली रियली वेरी अप्रिशिएट दिस थिंग। आज का जो सेशन है बेसिकली ये थोड़ा सा नॉर्मल से अलग है एज अ लेक्चर फॉर द पीपल जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। माय टुडेज टॉपिक इज प्रेगनेंसी मैनेजमेंट अंडर होम्योपैथी। ये एक ऐसा टॉपिक है जो मेरे दिल के बहुत करीब रहा है। तो मैंने होम्योपैथी एमडी ऑर्गेनॉन में की हुई है, बट अगर हम देखें ऑर्गेनॉन का एप्लीकेशन, इट हैज अ लॉट ऑफ एप्लीकेशन इन प्रेगनेंसी केसेस आल्सो, इन टर्म्स ऑफ मायोजम को राइट टाइम पे राइट दवा का चूज करने से लेके आपको नेक्स्ट फर्दर मैनेजमेंट कैसे करना है। सो आज मैं बेसिकली मैं कुछ सिखाने तो वाला नहीं हूँ, बट वॉट आई वुड बी डूइंग इज बेसिकली शेयर माई एक्सपीरियंसिस विथ यू गाइज के क्या मैंने मेरे क्लिनिक में मैं करता हूँ उस चीज का कुछ ना कुछ बेनिफिट आप अगर उसको देखते हैं तो 100% आपको अपने प्रैक्टिस में भी मिलेगा। बिकॉज ये एक ऐसी फील्ड है जो हमें इजीली उसके डेटा मिलते नहीं है, बट अगर आप कुछ इसमें से मेरे सेमिनार से कुछ सीख पाते हो तो इट इज वेरी मच एन ऑनर फॉर मी। लेट स्टार्ट विद द सेशन, एंड अगर आप लोग के किसी के कुछ क्वेश्चंस रहे तो सर इज अवेलेबल, यू कैन ऑलवेज
मैसेज संदीप सर एंड ही विल कन्वे दोस थिंग्स टू मी. जस्ट अ मिनट. आई होप द बिग स्क्रीन शेयर हो पा रही है आप लोग के पास. हाँ जी शेयर हो पा रही है. और डॉक्टर हम जनरली लास्ट के 10 मिनट क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए रखते हैं. यस 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 चलेगा सर. दैट इज नॉट एन इश्यू. जस्ट वन मिनट. ओके सो लेट्स सी व्हाट होम्योपैथी हैज टू ऑफर टू ग्रेविडा पेशेंट्स. सो बेसिकली ये एक हमारी सर्विस है ऑफ होम्योपैथी फॉर द जनरल पीपल के प्रेगनेंसी में होम्योपैथी का क्या रोल आता है ये हम आज शेयर कर रहे हैं. ऐसा कहा जाता है कि योर आई सी व्हाट योर माइंड नोज. काफी बार क्या होता है हमारे पास हमारे सीनियर्स ने हमारे मास्टर्स ने काफी चीजें दी हुई है हमें बट जस्ट बिकॉज हम उनको डे टू डे में नहीं एक्सपीरियंस कर पाते हैं तो हम उस चीज का एप्लीकेशन नहीं कर पाते. सीएमपी होम्योपैथिक कॉलेज में एक बहुत अच्छा बेनिफिट था कि वहां पर हमारे पास गायनेक डिपार्टमेंट था. वहां पे हमारी काफी अच्छे टीचर्स थे. मेरे डॉक्टर दक्षा वैष्णव मैम थे, डॉक्टर तारुल वाडिके मैम थे. तो ऐसे बहुत सारे टीचर्स रहे हैं जो वो टाइम पे प्रेगनेंसी एंड उसके रिलेटेड चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज करते थे. तो वहां से हमने ये रुचि डेवलप की है. सो लेट स्टार्ट द सेशन. मैंने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है बेसिकली रिगार्डिंग द रूब्रिक्स. तो आप देखकर सरप्राइज्ड होंगे कि मर्फी ने 2297 रूब्रिक्स दिए हुए हैं ऑन द टॉपिक प्रेगनेंसी. जेंट्री ने 6272 रूब्रिक्स दिए हुए. लाइकवाइज नर बोरिक एंड फाटक. सो हम अमेज्ड होते हैं कि इतनी सारी क्लीन डेटा उन्होंने इतने सालों पहले शेयर की हुई हमें एंड दिस इज समथिंग वेरी हेल्पफुल. सो इस तरीके से हम हमारी जर्नी को आगे लेके जाते हैं कि व्हाट होम्योपैथी हैज टू ऑफर टू प्रेग्नेंट फीमेल्स. आज के सेशन में मैं सब चीजें तो कवर नहीं कर पाऊंगा बट आई विल जस्ट गिव यू जस्ट क्या क्या है होम्योपैथी के अंडर फॉर द प्रेग्नेंट फीमेल्स. सो लाइकवाइज जैसा मैंने कहा है मैं कुछ टॉपिक्स मेंशन करूंगा कि क्या क्या चीजों में होम्योपैथी का रोल आ सकता है. जब हमें पता होगा तो हम उन केसेस को ले पाएंगे. तो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स व्हाट आई वुड लाइक टू शेयर. अवॉइडिंग मिसकैरेजेस, थ्रेटन्ड मिसकैरेजेस ऑकरिंग ड्यूरिंग विच हैज ऑकर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस प्रेगनेंसी. काफी बार पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि वो कहते हैं कि सर सेकेंड मंथ में थर्ड मंथ में हमारे एबॉर्शन हो गए थे. कुछ कुछ पेशेंट्स हमें कहते हैं फिफ्थ मंथ में हमारे एबॉर्शन हुए हैं. सो अगर हम ये हमारी रेपर्टरी में सर्च करते हैं. मैं आपको एक और शेयर करता हूं जस्ट अ मिनट. सो मैं थोड़ा इंटरेक्टिव रख रहा हूं नॉट जस्ट प्लेन सेशन ऑफ शोइंग यू द स्लाइड्स. क्योंकि हम ये डे टू डे में कर सके मैं ये चाहता हूं. So if you search abortion and आप यहां पर rubrics observe कर पाओगे. So there are so many rubrics mentioned regarding this. तो आप अगर ये देख पा रहे हो अपने स्क्रीन पे तो दिस आर द reasons कि किन कारणों से abortion होते. So ailments from is again very important in our treatment of pregnant females. कि क्या रीजन से उनको वो कंप्लेंट्स आई है. अगर मैं इसमें मंथ डालता हूं सो वी हैव स्पेसिफिक मेडिसिन के कौन से वीक एंड कौन से मंथ में एबॉर्शन हुए थे इन द लास्ट प्रेगनेंसी. यू कैन ट्रीट दोज पेशेंट एंड देन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आल्सो गिव सर्टेन मेडिसिन जिससे वो अनटूवर्ड इंसिडेंट्स ना हो. बिकॉज एक एबॉर्शन एक मदर के लिए बहुत ही वर्स्ट चीज हो सकती है फॉर एनी मदर. So if as a homeopath we have the knowledge, we can save and help those gravida patients. मेरे पास कैसे काफी cases रहे हुए हैं जिनके इनके initial past pregnancies में abortion आए हुए. Those patients have started treatment under me and they have conceived and we manage the whole pregnancy because ये period बहुत important है. हमें लगता है कि conceive हो गया है ना that's our role. No.
द होल प्रेगनेंसी मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप सेकेंड मंथ में देखते हो तो यू कैन सी द कालिकाब, आप ये सवाइना, सीकेल कॉर्ड, सिमिसिफ्यूगा, एपिस. सो देन यू कैन एड योर नॉलेज ऑफ होम्योपैथी ऑफ बेसिकली द होल जनरल पार्ट. यू कैन एड इट टू इट, यू कैन एड द थर्मल्स टू दोज पेशेंट्स एंड देन सिलेक्ट द राइट रेमेडी अकॉर्डिंग टू देयर इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड ड्यूरिंग दैट करंट फेज. This is the way how we have been taught homeopathy in our colleges also, and that is the same thing which we are practicing. But just when we know what things to be searched, it helps. Let's go to the next slide. Management of symptoms like nausea, swellings. काफी बार patient आते हैं कि वो complain करते हैं, we have been experiencing swelling in different months. Indigestion, headache, constipation, piles, varicosity, insomnia, debility, pyrosis, and gastritis. So in patients ko allopathic medicines nahi leni pade, us jagah pe homeopathic medicines ka bahut bada role aata hai. We can at least cover up all the symptoms taki unko na ke barobar allopathic medicines leni pade, because at the end of the day एलोपैथिक मेडिसिन का जो वर्किंग प्रिंसिपल है दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द व्हाट होम्योपैथिक प्रिंसिपल इज. कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ चीजों को सप्रेशन क्रिएट करना, या तो जो एंटीपैथिक वे ऑफ उनका प्रिंसिपल है वो कहीं ना कहीं चाइल्ड के प्रोग्रेस से लेके मदर की हेल्थ में कुछ ना कुछ तो ट्रबल करता ही है. सो उस जगह पे अगर ऑल्टरनेटिवली हम होम्योपैथी दे सके तो इट प्लेज एन अमेजिंग रोल. अदर मेटाबोलिक कंडीशन लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन यानी एक्लेम्शिया, एस्थमा, थायराइड, इन कंडीशंस को भी हम होम्योपैथी में मैनेज करवा पाते हैं. देयर हैव बीन केसेस हु वर डायबिटिक एंड उनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी में बेसिकली दे हैड टू टेक इंसुलिन हायर यूनिट्स. तो जब वो पेशेंट्स मेरे अंडर आए थे, आई रिमेम्बर वेरी क्लियरली दिस पेशेंट, कि वो चाहती थी कि कुछ तो हम हेल्प करें कि ज्यादा से ज्यादा या कम से कम मेडिसिन लेनी पड़े एलोपैथी की. तो वो टाइम पे हमने पूरी प्रेगनेंसी में वी गेव हर होम्योपैथिक मेडिसिन एंड दोस पेशेंट हैड टू टेक द लीस्ट डोज ऑफ इंसुलिन एट दैट टाइम. सो कुछ छोटा चेंज भी अगर हम होम्योपैथी से कर पाते उनकी प्रेगनेंसी जर्नी में, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. एंड द अदर थिंग विच वी आर क्लियरली अवेयर अबाउट दैट, के होम्योपैथिक मेडिसिन हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एट एन इमोशनल फेज ऑल्सो. सो ये कहीं ना कहीं मदर के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करती है. एंड व्हेन अ मदर इज एन इमोशनली एट अ स्टेबल प्लेस, द चाइल्ड कमिंग इज ऑल्सो वेरी वेरी हेल्दी. ये चीज हमारे भारतीय संस्कृति में गर्भ संस्कार को भी कहती है कि मदर को इमोशनली क्या क्या चीजें करनी चाहिए ताकि आने वाला चाइल्ड बहुत हेल्दी रहे. सो दिस इज द वे हाउ वी कैन डू. नेक्स्ट कंडीशन जिसमें हम होम्योपैथी का रोल शो कर पाते हैं ड्यूरिंग द फेज ऑफ लेबर, उसमें काफी पेशेंट्स आते हैं जिनके ऑस ओपन नहीं होते हैं, ड्यू टू दैट दे हैव टू अंडरगो सीजरियन सेक्शन. सो उन केसेस में होम्योपैथिक में हमारे पास मेडिसिन है. अगर हम स्पेसिफिक तरीके से भी अगर जाए सो उसके रूब्रिक्स स्पेसिफिक है. आई वुड शो यू हाउ टू सर्च दोज रूब्रिक्स. सो ये सेशन बेसिकली rather than giving you a specific medicine, we would show कि हम क्या क्या कर सकते हैं आप सभी अपने patients के point of view के लिए. For a good labor pain, काफी बार patients आती है कि they are not able to get a good labor pain. So उन cases में भी we have homeopathic medicines. We can take do a whole case taking at that period and help those patients to get a good labor pain. For the postpartum hemorrhages, placenta जो इश्यू आते हैं कि कभी कभी वो बाहर नहीं आता है, उन केसेस में भी होम्योपैथी का रोल काफी आता है. अदर सिम्टम्स व्हाट वी हैव द रोल ऑफ होम्योपैथी इज अनेमिया, निम्फोमेनिया. काफी पेशेंट अनेमिया के बेसिकली उनके हीमोग्लोबिन बढ़ते ही नहीं, पूरी प्रेगनेंसी चली जाती है. तो अगर हम राइट टाइम पे होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं तो उनके आयरन लेवल्स बढ़ते हैं, एंड आयरन लेवल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द डिलीवरी फेज, बिकॉज अगर वो लोअर साइड पे रहेंगे तो इट इज वेरी हार्मफुल टू द मदर. अदर सिम्टम्स इज लाइक निम्फोमेनिया, एक्सपेलिंग द मोल्स,
उनकी जो एवर्जन्स रहती है, काफी बार नौजिया, लोदिंग, एवर्जन्स इतनी ज्यादा हो जाती है कि मदर नॉर्मल फूड भी नहीं कंज्यूम कर पाती, तो उस टाइम पे होम्योपैथी का रोल काफी आता है फॉर अ डिफिकल्ट एंड और एन ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, प्यूरपेरल कन्वर्जन्स, जॉन्डिस, एब्डोमिनल टेंडरनेस, काफी ऐसी छोटी छोटे सिम्टम्स पेशेंट्स लेके आते हैं हमारे पास के ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देर इज लॉट ऑफ एब्डोमिनल टेंडरनेस विच वी आर फेसिंग. सो उन चीजों में हम होम्योपैथी के मेडिसिन देके उनकी ये छोटी छोटी चीजें भी अगर हम सेव कर पाते हैं. एल्ब्यूमिनिया केस, एल्ब्यूमिन यूरिया, व्हाट आर द फीलिंग्स ड्यूरिंग द लेबर, सेंसेशंस होते हैं ये सब, तो उसमें फीलिंग्स अगर आप सर्च करोगे तो यू विल गेट अंडर द रेपर्टरी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. फीटस मूवमेंट्स एंड इट्स ट्रबल, क्रेविंग्स एंड एवर्जन्स, वी कैन डू अ लॉट ऑफ इमोशनल हेल्प टू दिस पेशेंट्स. We can cover the skin disease. This is one of the most important thing which I would like to specifically mention, that we can do a lot of things in the skin diseases. Allopathy mein wo majburan nahi de paate dawa. Jada se jada wo anti-itching medicines de denge us patient ko, but a lot usse jada majburi mein wo nahi de paate. So in jagahon pe homeopathy ka role bahut zyada aata hai. मैं आपको एक शेयर करूंगा एक केस रिगार्डिंग द स्किन डिजीज आज के सेशन में, तो आपको आइडिया है कि व्हाट अवर रोल हैज. प्रोलैप्सिस ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी बहुत बड़ा इश्यू है, उस कारण से भी अबॉर्शन होते हैं. सो वी हैव मेडिसिन, इफ वी गिव इट ऑन टाइम वी कैन सेव दोज पेशेंट, बिकॉज इन पेशेंट में हम ज्यादा सर्जरी नहीं कर पाते, ज्यादा से ज्यादा वो ऑस को वहां पर वो स्टिचेस दे सकते हैं, बट अगर पूरी की पूरी पेल्विक मसल्स वीक है तो वो टाइम पे आप क्या करोगे. सो वी हैव दिस मेडिसिन. टूथेक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, दिस इज वन ऑफ द मेजर टॉपिक विच मेनी पेशेंट्स कम टू मी, बिकॉज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यू कैन नॉट अंडरगो डेंटल ट्रीटमेंट. ऐसे टाइम पे अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन टाइम पर उनको देते हो, इट हेल्प्स अ लॉट टू दिस पेशेंट. काफी केसेस आते हैं जहां पे लेबर डिलेड हो रहा है या तो प्री मैच्योर हो रहा है. सो we have medicines. Respiratory complaints, mere paas patients aaye hain who had asthma chronic history, but during pregnancy and humne jab unko manage kiya hai puri pregnancy smoothly gayi in patients ki. Fever, cold and cough, also we have good medicines. They don't have to take antibiotics during that time. We can give safe homeopathic medicine. Post delivery healing of the stitches, either c-section or an episiotomy. Breast abscesses, breast milk complaints, cracked nipples, hair fall post delivery, retained placenta. This is the reason I am showing you, because agar hame pata hoga to aap khud bhi in cheezon ko study karke aap apne patients ko help kar paoge. Now let's talk about the rubric languages, because this is one of the important thing jo hame janni aur samajhni zaruri hai. Labor is called in certain rubrics thrice. अगर आप लेबर को सर्च करोगे तो थ्रॉइस बोला जाता है. सो हमें ये ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेजेस भी पता होनी बहुत जरूरी है, सो दैट वी कैन सर्च एंड हेल्प द पेशेंट. डिस्टोकिया इज ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, तो अगर आप रूब्रिक सर्च करोगे लेबर का ऑब्स्ट्रक्टेड है तो क्या सर्च करोगे, तो इफ यू आर अवेयर कि डिस्टोकिया टाइप करना है तो देन यू कैन स्टडी द अंडर रूब्रिक्स एंड देन हेल्प दोज पेशेंट्स. मिल्क फीवर इज हाइपोकैल्सीमिया, अभी हमें ये कहां पर पता चलता है अचानक से कि भाई ये मिल्क फीवर का रूब्रिक्स है. सो काफी बार क्रैम्स आते हैं पेशेंट को, तो ये सब चीजों में हमें थोड़ा सा हमें अंडरस्टैंडिंग के साथ में इन पेशेंट्स को हेल्प करना पड़ता है. अदर थिंग इज लाइक काफ पेन, तो काफ पेन को इन मॉडर्न लैंग्वेज भी काफ को हम CALF प्रोनाउंस करते, बट इन द ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज इट वॉज प्रोनाउंस्ड एज काल्व्स, CALVS. तो अगर आपको काफी पेशेंट्स मिलेंगे जो हु हैज अ कंप्लेन ऑफ क्रैम्स इन द काफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वी कैन हेल्प दोज पेशेंट. द डीवीटी इज कॉल्ड एज फ्लेगमेसिया एल्बा डोलेंस, डीप वेन थ्रोम्बोसिस के केसेस भी डेवलप होते हैं पोस्ट प्रेगनेंसी या काफी बार ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. नाउ वीकनेसेस इज अ वेरी कॉमन कंप्लेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, व्हाट अ पेशेंट कंप्लेन, पर आप सर्च क्या करोगे वीकनेसेस, अगर प्लेन डालोगे तो रूब्रिक्स कम मिलेंगे. So if you are aware the related terms like faintness, fatigue, flagging, these are the terminologies used in our repertory for this term. Braxton Hicks contraction, hum jo padhte hai, this has been called as false labor pains in our rubrics language.
लेबर के अलग अलग टर्मिनोलॉजीज है, फीबल फीबल लेबर, थ्रोइस, चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ भी काफी काफी ऐसे यूज होता है कि चाइल्ड बर्थ, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ सो एंड सो कंप्लेंट, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ सो एंड सो इमोशनल फिजिकल, सो इस तरीके से आप उसको सर्च कर पाओगे। हेडेक इज अ वेरी कॉमन कंप्लेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेग्नेंट फीमेल क्रोसिन से ज्यादा कुछ ले नहीं पाती, पर ऐसे समय पे जब अगर हम माइग्रेनस पेशेंट्स को होम्योपैथी के अंडर रखते हैं, दे आर वेरी मच स्टेबल। गैस्ट्राइटिस इज कॉल्ड एज हार्ट बर्न और पायरोसिस इन अवर रूब्रिक लैंग्वेजेस। जेसिटेशन यानी रेस्टलेस टॉसिंग ऑफ द बॉडी विच अ फीमेल एक्सपीरियंसेस ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी, तो हमें पता होगा तो हम सर्च कर पाएंगे। प्रोट्रैक्टेड यानी कि लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम देन यूजुअल, कोई कोई पेन होते हैं विच आर कॉल्ड एज प्रोट्रैक्टेड पेन, तो आपको काफी बार पेशेंट बोलेंगे मुझे बहुत देर तक पेन रह ही रहा है, तो आप प्रोट्रैक्टेड सर्च करो। टाइलिज्म यानी एक्सेसिव सलाइवा, इचिंग को रूब्रिक्स के अंदर प्रूराइटिस का मेंशन किया हुआ है। एगैलेक्टिया यानी कि मिल्क का कमी होना, प्यूरपेरियम कंप्लेंट्स यानी पोस्टपार्टम कन्फाइनमेंट, चाइल्ड बर्थ, इस तरीके से लैंग्वेजेस यूज हुई है कि डिलीवरी के बाद की कंप्लेंट्स को रूब्रिक लैंग्वेजेस में मेंशन करने के लिए। अब मेस्टाइटिस, मैमे, ब्रेस्ट, निप्पल्स, ये टर्मिनोलॉजीज यूज हुई है। फीटस मोशंस, एबॉर्शन, मिसकैरेज, एबॉर्शन हम हमारे मॉडर्न लैंग्वेजेस में यूज करते हैं कि भाई एबॉर्शन हुआ है, बट इन अवर ओल्ड स्कूल रूब्रिक्स लैंग्वेजेस में, काफी रूब्रिक्स में मिसकैरेज इज द वर्ड विच इज यूज। नौजिया को मॉर्निंग सिकनेस या तो लोदिंग मेंशन किया हुआ है। हाउ कैन वी डेवलप अवर स्किल इन इट स्टडी, सो इसका बेस्ट तरीका है बेसिकली टू नो वॉट इज मेंशन इन अवर बुक्स, इन अवर मटेरियल लैंग्वेजेस एंड इन अवर ओल्ड स्कूल बुक्स। मैं सर्टन कुछ रूब्रिक्स आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ कि ये रूब्रिक्स को अगर आप देखोगे तो यू विल गेट अ गुड जिस्ट कि हम क्या हमें स्टडी करना है या क्या क्या अलग चीजें हैं हमारे पास इन रेपर्टरी। सो प्रेगनेंसी डिस्ट हो क्या, यानी कि मैंने आपको कहा था ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, तो उसके लिए मेडिसिन क्या है, सो कॉलोफाइलम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन। सिमेसिफ योगा, सबाइना, सीकेल कॉल, कॉलोफाइलम हैज बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग, इट हेल्प्स अ लॉट टू द पेशेंट्स जिनकी ऑस ओपन नहीं होती है। मेरे पास एक केस आई थी फीमेल की who was in a labor pain, at that time she contacted me कि भाई सर contractions तो हो रहे हैं थोड़े थोड़े ऊपर से, पर os open ही नहीं हो रही। So doctor ने कहा कि देखो मैं आपको एक से दो दिन का time दे सकता हूँ, पर अगर उस दौरान os open नहीं हुई तो then you would have to undergo C-section at that time. So patient family contacted me at that time. तो मैंने उनसे gynec से बात की, तो gynec agreed कि to use a gel. So gel is basically one procedure जिससे वहां की local opening की जाती है and post that normal delivery के लिए doctors gynec try करते हैं। तो जो old experiences doctors रहते हैं वो इस technique का use करते हैं। So I was aware about it and my gynec friend doctor also was in tandem with me. So जब भी gel डालते हो, अगर जैसे अगर आपने आज दोपहर को 2 बजे अगर gel डाला है उस patient को वजाइना के वहां पे, so बेसिकली उसमें मिनिमम 15 आवर्स का टाइम लगता है फॉर द जेल टू एक्ट एंड फॉर द लेबर पेन टू कंप्लीटली प्रोसेस। अब इन पेशेंट को जेल यूज किया एंड वी इमीडिएटली स्टार्टेड हर ऑन कॉलोफाइलम। आई वाज गिविंग हर डोजेज अ वेरी फ्रीक्वेंट रिपीटेशन, आई आस्क्ड हर टू टेक द 1 स्पून ऑफ द मेडिसिन एवरी हाफ एन आवर एंड यू विल बी सरप्राइज्ड बाय, उनको 2 o'clock जेल डाला गया था, by 6 o'clock the opening was more than 12 centimeter and at that moment doctor ne kaha ki the opening is good. Doctor was really surprised ki unhone wahi bola, Dr. Saurabh, aise cases mein more than 12 hours to 15 hours lagte hai os open hone mein aur is female ka within 4 hours os open ho chuka hai. So and then I shifted to a good labor pain medicine, by 7 o'clock the female delivered. So this is one of the what beauty you will tell about homeopathy, के किस तरीके से homeopathy का results है। एक female मेरे पास आई थी who was under homeopathic medicine throughout her pregnancy, और उसको this was a primary gravida,
उसको लेबर पेन स्टार्ट हुआ, उसकी फैमिली उसको लेकर गई, विद इन 3 hours दिस पेशेंट डिलीवर्ड. वो बोली कि कब लेबर पेन आया, कब डिलीवरी होगी. दे वर ऑल्सो देमसेल्फ सरप्राइज. नॉर्मली प्राइमरी ग्रेवेडा को टाइम लगता है फॉर डिलीवरी. सो दिस आर द सर्टन, क्या बोलोगे आप, अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे हैं व्हेन वी गिव होम्योपैथिक मेडिसिन टू दिस पेशेंट्स. नेक्स्ट रूब्रिक पे मैं शो करता हूं. सो नाउ द रूब्रिक ऑफ थ्रोस, लेबर डेफिशिएंट और सीजिंग विद ग्रेट डेबिलिटी. काफी बार आपने सुना होगा कि फीमेल इज वेरी वीक ड्यूरिंग हर लेबर पेन. लेबर पेन उतनी इंटेंसिटी का डेवलप ही नहीं हो पा रहा है उस पेशेंट के लिए. सो ऐसे केसेस में वी हैव मेडिसिन. यू विल सी कार्बोवेज इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मेडिसिन. ओपीएम, पल्सटिला, सिकेल कॉर. नाउ व्हेन वी गो डीपर एंड स्टडी दोज मेडिसिन एंड डू अ कंपेरिजन विद अ मटेरिया, वी कैन प्रिस्क्राइब दीज मेडिसिन. आई वुड सजेस्ट कि ऐसे टाइम पे आप काफी मटेरियल की बुक्स रीड करिए व्हेन यू आर प्रिस्क्राइबिंग, सो दैट यू गेट एन एग्जैक्ट थिंग कि किस बेसिस पे वो काम करती है, एंड देन यू कैन प्रिस्क्राइब इन दिस केसेस. यू कैन सी द नेक्स्ट रूब्रिक एज एबॉर्शन फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन. कॉन्स्टिपेशन इज अ वेरी ट्रबलसम सिम्टम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. मेरे पास काफी फीमेल्स रही है जिनको ब्लीडिंग भी हो जाती है, प्रोलैप्सिस भी हो जाते हैं, पर जब हम उन पेशेंट्स को टाइमली होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं, इट हेल्प्स अ लॉट. मेरे पास एक फीमेल तो आई हुआ हैड अ क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन सफरर. सो शी कंसीव्ड अंडर मी ओनली एंड हर होल प्रेगनेंसी वी हैड केप्ट ऑन हर ऑन होम्योपैथिक मेडिसिन. शी डिडंट रिक्वायर्ड एनी वन लेक्सरेटिव ड्यूरिंग हर होल प्रेगनेंसी पीरियड. सो ये काफी अलग एक्सपीरियंस है बेसिकली व्हेन वी आर अवेयर कि हमें क्या हेल्प करना है, किस तरीके से बेसिकली पेशेंट्स को. तो हमें पता रहेगा तो वी कैन हेल्प दिस पेशेंट्स. नेक्स्ट रूब्रिक इज ऑस यूट्राई. मैं जो आपको कह रहा था ना कि ऑस ओपन का, तो ऑस यूट्राई इज द रूब्रिक. लेबर रिजिडिटी ऑफ ऑस यूट्राई. तो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंप्लेंट्स. अगर हमें पता रहेगी हम उस पेशेंट को सी सेक्शन में जाने से 100% हेल्प कर सकते हैं. सो व्हाट अदर मेडिसिन, सिंपल सिंपल मेडिसिन है अगर हमें पता हो तो, एंटीमोनियम टार्टरिकम, क्लोरोफॉर्म, कोनायम, विराट्रम एल्बम. सो हमें इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए सो वी कैन हेल्प दिस केसेस. पैल्पिटेशन ऑफ हार्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. काफी पेशेंट आती है कि मुझे बहुत अनकंफर्टेबल, और खास करके गर्मियों के सीजन में काफी पेशेंट्स को ये सिमिलर सिम्टम होते हैं. सो वी कैन प्रिस्क्राइब दोज अवर होम्योपैथिक मेडिसिन लाइक एकोनेटम, आजेंटम, विराटिकम, लिलियम टिक. ऐसा डिप्रेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, डिप्रेशन ऑफ स्पिरिट्स, ये कितना इंपॉर्टेंट रूब्रिक है आपको, उसकी गरिमा में क्या कहूँ आपको. बिकॉज ये मैं क्यों इसको इतना इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, बिकॉज अगर प्रेग्नेंट फीमेल खुद इमोशनली लो होगी, हाउ मच इम्पैक्ट इट क्रिएट्स ऑन द चाइल्ड्स होल ग्रोथ. जब हम मेरा बेसिकली इनफर्टिलिटी, प्रेगनेंसी एंड पीडियाट्रिक्स का काफी रुचि है मेरी. सो मैं जब पीडियाट्रिक केस टेकिंग करता हूँ तो उस टाइम पे मेरे लिए मदर की इमोशनल हेल्थ ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज काफी बार मैंने उस चीज पे जाना पड़ा मुझे, जब मैं इन पीडियाट्रिक केसेस को ठीक कर रहा था बेसिकली, सो मैंने ऑब्जर्व किया कि एक प्लेटो आता है कि जहां पे हम अटक जाते हैं कि उससे आगे हम उस चाइल्ड को हेल्प नहीं कर पा रहे. ही सफरिंग फ्रॉम सेम रिपीटेड कंप्लेन. ऐसे टाइम पे जब हम मदर की इमोशनल हिस्ट्री समझते हैं कि द मदर हैड बीन इन अ इमोशनल फेज के जहाँ पे सप्रेस्ड एंगर काफी रहा है, तो यू कैन गिव स्टाफिसैग्रिया एक डोज, भले वो मेल हो या फीमेल हो, इट डजंट मैटर. बिकॉज अपनी मेडिसिन इमोशंस पे काम करती है, ना कि जस्ट ऑन द सेक्सेस के वो मेल है कि फीमेल है. एंड मैंने काफी बार देखा है कि मैं जब ऐसे इंटरकरेंट मेडिसिन देता हूँ, ऑफ द प्रॉपर इमोशनल स्टेट क्रिएट्स मैजिक इन दैट किड एंड
उनकी रिकरेंस ऑफ डिजीज काफी हद तक रिड्यूस हो जाती है। सो यहाँ पे अगर हम मेडिसिन देखें तो मेडिसिन इज प्लम्बम जिंकम मेटालिकम। किसने सोचा था कि डिप्रेशन ऑफ स्पिरिट्स में हम नॉर्मली ऑरम सोचते हैं, नैट्रम म्यूरेटिकम सोचते, बट वी हैव मेडिसिन लाइक प्लम्बम एंड जिंकम विच हेल्प्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फेजेस। सो इट इज इम्पॉर्टेंट वी नो किड्स फेज में कौन सी मेडिसिन देनी है हमें, सो वी कैन हेल्प दिस पेशेंट्स। वॉटर ब्रैश ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ऑक्सैलिक एसिड एंड स्टैफिसैग्राइड। आप देखो कितने अलग मेडिसिन आ रही है हमारे सामने। हम नॉर्मली क्या सोचेंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड रॉबिनिया दे देंगे, वॉटर ब्रैश वगैरह की कंडीशन ला रही है, गैस्ट्राइटिस रिलेटेड, बट वी हैव मेडिसिन लाइक एन ऑक्सैलिक एसिड स्टैफिसैग्राइड। ऑक्सैलिक हम नॉर्मली पेन के लिए, न्यूरालजिया के लिए यूज करते हैं। काफी बार सीवियर पेन होता है इन द रिब केज, उस केसेस में ऑक्सैलिक एसिड का यूज आता है, बट इन केसेस में भी हम यूज कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी काफी ऐसी मेडिसिन मेंशनड है हमारे रूब्रिक्स के अंदर और मैंने उनको खुद पर्सनली यूज किया है, एंड इट क्रिएट्स अ मैजिक, इट क्रिएट्स मैजिक, बिकॉज ये एक ऐसा फेज है प्रेगनेंसी का वहां पे यू हैव टू एक्ट वेरी फास्ट। आप वेट नहीं कर सकते हो इन केसेस को मैनेज करने के लिए, भाई चलो मैंने आज मेडिसिन दिए, 15 दिन बाद मुझे अपडेट करना कि भाई तुझे आराम मिला है कि नहीं। नो नो मैम, नो सर, you have to be very quick and very apt in their management. This has been the same thing during my journey of COVID management, jahan pe maine itne COVID ke cases ko manage kiya tha ki mujhe kafi patients ko main personally mila bhi nahi tha, but un cases mein we had to work very very fast, and that was the phase jahan pe meri acute knowledge ka kafi help hua tha. We have to be very शार्प। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई मैंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग दे दिया एंड आई विल वेट एंड वॉच। नो, यू हैव टू बी अटेंटिव, यू हैव टू आस्क, यू हैव टू आस्क द पेशेंट टू अपडेट यू एवरी डे, एट टाइम्स मॉर्निंग इवनिंग, ऐसे टाइम भी आते हैं जहां पे हमें दो अपडेट्स लेने पड़ते हैं, बट इट पेज ऑफ इन टर्म्स ऑफ पेशेंट गेटिंग बेटर, इट पेज ऑफ इन टर्म्स पेशेंट्स को ट्रस्ट आता है कि यस, होम्योपैथी इज नॉट जस्ट लाइक अ मिथ कि भाई स्लो काम करेगा बाद में देखा जाएगा, पहले एलोपैथिक ले लो बाद में होम्योपैथिक का हम क्रॉनिक यूज करेंगे। नो, होम्योपैथी यू कैन टेक इट एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी इन केसेस। वी मूव टू द नेक्स्ट रूब्रिक, यूरेथराइटिस मिक्चुरेशन पेनफुल स्कॉल्डिंग स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। पॉपुलस कैंडिकेन्स, दिस इज वन ऑफ द मेडिसिन जो हम नॉर्मली जल्दी यूज नहीं करते। वी हैव मेडिसिन कि हमें टेंडेंसी रहती है कि चलो ना हम खाली कैंथारिस यूज कर ले, या तो हमको ऐसी मेडिसिन यूज कर ले जो एक बार टाइमिंग में हेल्प करे, बट यर अ पॉपुलस कैंडिकेन्स नाम की मेडिसिन है विच इज वेरी हेल्पफुल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फेजेस। सो दिस इज वेरीफाइड बाय सर जेंट्री। सो आप समझ सकते हो द ऑथेंटिसिटी ऑफ द पर्सन हु हैज मेंशन दिस थिंग। सो उन्होंने कितना डीप वर्क किया होगा वो टाइम पे टू अंडरस्टैंड एंड गेन दिस नॉलेज। प्रेगनेंसी एबॉर्शन ड्यूरिंग अर्ली मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, एपिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रेमेडीज। जैसे मैंने आपको कहा था कि हमें पता होना चाहिए, सो एबॉर्शन है, मिसकैरेजेस है, ऐसे ऐसे हमें रूब्रिक्स को मेंशन करेंगे तो वी गेट अ गुड आइडिया। एपिस हैज ट्रूली हेल्प, क्योंकि मेरे पास ऐसे कभी कभी कोई कोई केसेस जस्ट प्रेगनेंसी होके तुरंत आ जाते हैं मेरे पास, एंड दे शेयर हर हिस्ट्री कि मेरे फर्स्ट प्रेगनेंसी में ऐसा ऐसा इश्यू आया था एबॉर्शन का। तो एट टाइम्स वी हैव टू बी वेरी फास्ट इन एक्टिंग एंड गिव दोज मेडिसिन इन द राइट प्रोपोर्शन एंड पेशेंट रिकवर्स। एबॉर्शन ड्यूरिंग द लास्ट मंथ, जस्ट प्रेगनेंसी के डिलीवरी के टाइम पे कोई कोई केसेस हमारे पास आते हैं कि उनको एबॉर्शन हुआ है, या तो अगर चांसेस है एबॉर्शन का तो वो टाइम पे हम ये ड्रग देते हैं। काफी बार हम उन पेशेंट्स को उनके चिल्ड्रन सेव कर पाते हैं। कॉक्सिकोडाइनिया आफ्टर पार्चुरेशन, सी हम नॉर्मली कॉस्टिकम का सोचते हैं भाई ऐसे केसेस में कि चलो कॉस्टिकम है, ब्रायनिया है या बेलस्पर है, बट कैल्केरिया कार्ब इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन, बिकॉज पूरा पेल्विक केज वो टाइम पे मूवमेंट करता है फॉर द चाइल्ड बर्थ। You can see the next rubric as during pregnancy cannot wear tight clothing about the waist.
हम नॉर्मली ऐसे केसेस में लकेसिस मेडिसिन सोचते हैं, बट यहाँ पर आप देखिए कैल्केरा काब इज द मेडिसिन विच इज मेंशन बाय जेंटन. सो हमें ये चीजों का भी अवेयर होना चाहिए. सो रेदर देन जस्ट थिंकिंग आउट अ वन गो, वी हैव टू स्टडी के हम रूब्रिक कैसे ढूंढ सके इन पेशेंट्स के अंदर. ड्रॉप्सिकल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑरम न्यूरेटिकम इज द मेडिसिन जो ड्रॉप्सी में काम आता है. एपीएस इज वन ऑफ द गुड मेडिसिन. लोरोसिरोसिस भी आप सोच सकते हो. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द इनटॉलरेबल इचिंग ओवर द होल बॉडी विदाउट एनी परसेप्टेबल इरप्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विथ कॉन्स्टिपेशन वर्स एट नाइट प्रिवेंटिंग स्लीप. तो हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं जो सीवियर इचिंग का हो, तो डॉलिकॉस इज वन ऑफ द मेडिसिन विच यू कैन थिंक अबाउट गिविंग इट टू दिस पेशेंट्स. फीटस जनरल अरेस्टेड डेवलपमेंट ऑफ द फीटस, ये सिचुएशन काफी आती है जब आपके पास नंबर ऑफ केसेस ऑफ प्रेगनेंसी रहेंगे. तो ऐसे केसेस आते हैं हमारे पास कि जहां पे यूएसजी रिपोर्ट में मेंशन है कि द फीटस ग्रोथ इज नॉट अकॉर्डिंग टू द एलएमपी. सो एट दैट टाइम यू हैव टू बी अवेयर थिंक कि अभी हम इन पेशेंट्स को क्या हेल्प कर सकते हैं. सो व्हाट आर द मेडिसिन वी हैव? वी हैव मेडिसिन लाइक प्लम्बम मेटालिकम सिकिल कोर. सो ये सब मेडिसिन हमें और रूब्रिक्स पता रहेंगे तो वी कैन यूज. पोस्टमार्टम जनरल पेरिनियम रप्चर्ड, ये बहुत तकलीफदायक चीज है एंड ये होती है जब नॉर्मल डिलीवरी के प्रोसीजर में कुछ कुछ केसेस में. सो वो टाइम पे हमारे पास मेडिसिन है आर्निका कैलेंडुला. सो वी कैलेंडुला इज 3 मार्क्स एंड गिवन बाय हु? मर्फी. सो इस तरीके से उन्होंने वो सब चीजें एक्सपीरियंस की हुई एंड दे हैव शेयर्ड दिस नॉलेज टू अस. वी मूव टू द नेक्स्ट रूब्रिक. नेफ्राइटिस इन्फेक्शन किडनीज एल्ब्यूमिन यूरिया टॉक्सीमिया और इन प्रेगनेंसी ऑकरिंग इन द कोर्स ऑफ. सो अभी हमें पता कैसे चलेगा? सो ये इडीमा से पता चलता है. तो कभी कोई इडीमा का केस आए एंड इफ यू गिव अ मेडिसिन एंड ही इज नॉट रिकवरिंग ऑन टाइम, सो एट दैट टाइम डू द इन्वेस्टिगेशन विच इज राइटली रिक्वायर्ड एंड यू वुड सी कि अगर आपको एल्ब्यूमिन या यूरिया आ रहा है तो क्रोटालस ऑरिडस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मेडिसिन विच यू कुड गिव टू दोज पेशेंट. एपीएस इज वन ऑफ द मेडिसिन. सो इस तरीके से हमारे पास है मेडिसिन. मिसकैरेज स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन टेंडेंसी टू मिसकैरेज चिल्ड्रन स्पेशली इन वुमेन हुआ. तो ये क्या है इसका मतलब? सेकेंड प्रेगनेंसी मतलब फर्स्ट प्रेगनेंसी हैज बीन स्मूथ बट सेकेंड प्रेगनेंसी में अबॉर्शन हुए है अगर किसी फीमेल को वो आपके पास आती है, तो ऐसे टाइम पे यू थिंक अबाउट द मेडिसिन एज प्लैटिना. तो इन्होंने लिखा है बहुत अलग लैंग्वेज में. सो आपको ये पता होना चाहिए व्हेन यू नो के व्हाट इज मेंशन देन यू कैन हेल्प दिस केसेस. लोडिंग ऑफ फूड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लोरोसिरोसिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मेडिसिन. सो शॉर्ट जिस तो मैं दे चुका हूं ना. लिस्ट मूव टू फ्यू केसेस. आई थिंक सो संदीप सर मैंने कितना हाफ एन आवर हो गया? हाँ जी, वी आर एट 7:40. यू कैन इजीली टेक अनदर 8 to 10 minutes. बोर तो नहीं हो रहा ना आई गेस सर? नहीं, वेरी इंटरेस्टिंग सर. बोर विल बी, आई थिंक क्वाइट बिकॉज़ आई एम बीइंग अ यंग होम्योपैथ. आई एम शेयरिंग व्हाट बेस्ट आई कैन फ्रॉम माय ओन क्लिनिकल एक्सपीरियंस ऑफ 10 इयर्स एंड आई होप के लोगों को भी बोर नहीं हो रहा हो. नहीं बिल्कुल नहीं. आई थिंक आप यंग डॉक्टर्स, आप जैसे डॉक्टर से ज्यादा रिलेट करके सीख सकते हैं, तो ये काफी अच्छा चल रहा है. चलो लेट्स मूव टू द फ्यू केसेस. मैंने ज्यादा केसेस नहीं मेंशन किए हैं, 2 केसेस आई हैव मेंशन, ताकि क्या है कि हम उसको एक वर्कशॉप तरीके से रख सके, सिंपल रहे एंड इफ रिक्वायर्ड वी कैन कंडक्ट फर्दर सेशंस इफ रिक्वायर्ड. सो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट केस. सो ये बेसिकली केस था ऑफ अ 24 इयर्स फीमेल. शी वॉज अंडर माई मेडिसिन बट ड्यूरिंग 8th month ऑफ प्रेगनेंसी सडनली शी डेवलप्ड सम डिफरेंट स्किन कंप्लेन्स. मैंने बेसिकली मेरे ये मैंने बहुत क्लीन रखा है कि द वे आई टेक द केस उसी के मैंने स्नैपशॉट्स आपको डायरेक्टली डाल दिए हैं. सो इट इज नॉट अ स्लाइड प्रिपरेशन स्पेशली फॉर द सेमिनार, बट ये मैंने बहुत क्लीन तरीके से रखा है. सो जिस तरीके से मैं करता हूँ एंड देर आर फेलियर्स ऑल्सो इन दिस,
उसका भी मैंने मेंशन किया है, बिकॉज मैंने काफी बार देखा है कि सेमिनार्स में हम जाते हैं, फेलियर्स हमें ज्यादा नहीं दिखते, हमें सब गुड़ी गुड़ी मिलता है कि हमने दवा दी और ठीक हो गया. नहीं, जब मैंने मेरे प्रैक्टिकल लाइफ में प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, आई एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ फेलियर्स, बट उसमें एक चीज मैंने यही मेरे मन में रखी थी कि कभी भी हमें बॉग डाउन नहीं होना चाहिए. वी जब हम इमोशनली अगर ट्रूथफुल रहे हमारे पैथी से, ट्रूथफुल रहे हमारे पेशेंट से, वो खुद भी समझते हैं कि डॉक्टर इज डूइंग हिज बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज. एंड जब हम उनको ट्रूथफुल तरीके से देते हैं, गॉड ऑल्सो हेल्प्स, सर हैनीमैन हेल्प्स अस. तो यही एक तरीके से मैं इस केस को आगे लेके जाना चाहता हूँ. तो 8th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में उस पेशेंट को सडनली ईचिंग ऑन द एब्डोमिनल स्किन स्टार्ट हुआ, इरप्शंस वेर कमिंग विद द स्ट्रेच मार्क्स. अब उसमें मैंने द पेशेंट के थर्मल्स लिए, सो शी वॉज अ हॉट पेशेंट, देर वॉज थर्स्ट ऑल्सो. द सिम्टम शी वॉज मैंशनिंग ऑन द स्किन वॉज बर्निंग ऑफ द स्टमक रीजन. अदर सिम्टम्स वॉज इरेक्टेशन लाइक एन एसिड, जल रहा है पूरा, बेटर वॉमिटिंग. मैंने उसको रेपर्टराइज भी किया, इरप्शन स्किन डिजीज, एचिंग ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड इरप्शन ऑन द स्टमक. एंटीमोनियम क्रूडम एंड काली म्यूरेटिकम नाइट्रम कार्बोनिकम आर द क्लोज मेडिसिन जो आ रही थी, बट स्किन के ऊपर जब मैंने मटेरिया में स्टडी किया तो एंटीम क्रूड मुझे लगा कि वी शुड बी गिविंग दोस पेशेंट. 18th ऑफ मे को आई थी मेरे पास वो पेशेंट. सो ऑन द 20th द पेशेंट अपडेटेड मी विद इन, आज दिया तो परसों, बेसिकली नो हेल्प इन द अर्टिकेरियल कंप्लेंट्स. सो मैंने उसको नाइट्रम कार्बोनिकम दिया हुआ था, तो आई आस्क्ड हर कि आप ये ट्राई करिए एक बार इफ इट इज हेल्पिंग यू आउट. बट 22 तारीख को मुझे अपडेट आया कि नो हेल्प फ्रॉम द नाइट्रम कार्बोनिकम. यस्टरडे पेशेंट गॉट अ फियर्ड इन नाइट अबाउट चाइल्ड्स हेल्थ ऑल्सो. Itching now is more on the legs and the less on the abdominal skin. मुझे वैसी मजबूरी आई कि वहां पर मुझे ऑइंटमेंट्स लगाने को उनको अलाउ करना पड़ा. उनकी फैमिली में चिंता भी डेवलप हुई, पर मैंने वो टाइम पे कहा कि थोड़ा वेट करते. वी स्टार्टेड ऑन अ न्यू रेजिमन. सो काली कार्बोनिकम उसका कॉन्स्टिट्यूशनल था उस पेशेंट का, विच आई वॉज गिविंग ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी. तो मैंने कहा कि कॉफी क्रूडा और अर्टिक इम्पोटेंसी एंड अर्टिका यूरेंस का मदर नेचर आप स्टार्ट करिए. 22 तारीख की बात है ये. तो उन्होंने यही मेंशन किया ऑन द 24th कि ऑल द अबव सिम्टम वाज ओनली गिविंग टाइमिंग रिलीफ. इरप्शन ऑफ द अर्टिकेरिया स्टार्टेड टू कम ऑन एक्सट्रीमिटीज ऑल्सो. आप देख सकते हो पिक्चर्स में कि पेशेंट की परिस्थिति कैसी थी. The stocks 200 alternate with croton tick was, I thought about, let's start about this thing. So till 27th, the patient was not comfortable. Is beech mein patient also visited the skin doctor. Skin doctor ne yehi mention kiya ke during pregnancy cases, hum zyada medicines nahi de sakte. It is a part of urticaria basically, jo us patient ko develop hua hai. And मैंने कहा कि चलो अब ये चैलेंज तो आया है, लेट्स सी समथिंग कि क्या कर सकते हैं ऐसे केसेस में. तो आप देख सकते हो हम कांस्टेंट बॉयल पे होते हैं ऐसे टाइम पे. हम ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई मैंने मेडिसिंस दिया एंड हम बाद में देखेंगे कि क्या हो रहा है आपको. नो, 27 को वो फीमेल फिर से आई मेरे पास. इचिंग एग्रेविटेड एट नाइट इन द बेड, एग्रेविटेड बेथिंग, कोल्ड एप्लीकेशन ऑल्सो, डर्माटाइटिस या अर्टिकेरिया आई वॉज इन, हमें ये चीजें डाउट में थी. नाउ देर इज अ चेंज दैट देर इज अ लेस ऑफ थर्स्ट, रैश इज ऑन द लेग्स इज ऑल्सो सीन, पाम्स एंड सोल्स में इचिंग. नाउ वन दिस सिम्टम ये पेशेंट में डेवलप हुआ, ये डिफरेंट सिम्टम था कि उसको पाम्स एंड तलवों में इचिंग स्टार्ट हुई. देर वॉज वाइट डिस्चार्ज बट नो इरिटेशन ड्यू टू दैट, रैश इज ऑन द लेग्स. अब इस चीज को मैंने रेपेटराइज किया, अगर आप देख पा रहे हो इन रूब्रिक चार्ट, तो मैंने रूब्रिक्स लिया था हॉट पेशेंट, इचिंग ऑन द पाम्स, इचिंग पाम्स, ये दो अलग अलग रेपेटरी से लिया हुआ था. बिकॉज काफी बार क्या होता है,
हमें अटेंटिव रहना पड़ता है कि उस ऑथर ने कितनी मेडिसिंस मेंशन की है उस सिम्टम के लिए. सो यहाँ पे बोरिक ने 6 मेडिसिंस मेंशन की थी एंड मॉर्फी ने 52. सो आई टुक बोथ द रूब्रिक्स, इचिंग इन द फीट सोल्स ऑफ इचिंग फीट सोल्स ऑफ वॉल्यूप्टस इचिंग एक्सेसिव इचिंग पार्शियल स्वेट ऑन द फिंगर्स. ये अलग सिम्टम पेशेंट ने मुझे मेंशन किया था कि शी हैड पार्शियल स्वेट ऑन हर फिंगर्स ओनली, बॉडी में नहीं था. इचिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. आप अगर देखोगे तो सल्फर इज द फर्स्ट मेडिसिन विच इज कमिंग विद 11 पॉइंट्स टोटालिटी. नाइट्रम म्यूराटिकम आ रहा था, एम्ब्रा ग्रीसिया, साइलिशिया, मोक्सॉल, फ्लोरिक एसिड, ब्लोनोइनम, कार्बोवेज, प्रूडम जो हम दे चुके थे, एपिस, हिपार, कालीफॉस, सबाइना. यहां पर मैंने इस मेडिसिन को स्टडी किया. वो कह रही थी शी वॉन्ट्स अ फास्ट फैन ऑन हर फेस. सो दिस इज वन ऑफ द पीक्यूआर सिम्टम ऑफ द मेडिसिन कार्बोवेज. लकेसिस का अगर आप एलन की नोट्स में अगर ओपन करो, दे डोंट वॉन्ट द फैन डायरेक्टली ऑन देयर फेस. दूसरा सिम्टम था इचिंग ऑन द पाम्स एंड सोल्स रीजन एंड इचिंग ऑन द पार्शियल स्वेट ऑन द फिंगर्स. एंड दिस पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन वॉज काली. एंड यू आर वेल अवेयर के काली काब एंड कार्बोवेज आर कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन. सो एज अ लास्ट चॉइस बोलो या लास्ट मौका बोलो, हमने इस पेशेंट को कार्बोवेज 200 मेडिसिन दी on the date 27th of May. And within the day, the patient felt relieved in the symptoms because Carbovig was covering the above mentioned symptoms. And patient was very happy. There's a certain satisfaction which you get ke jahan pe allopathy bhi nahi help kar pa rahi hai and aise cases mein aap homeopathic medicine se us patient ko help kar pa rahe ho. On the 19th of June, the patient delivered a healthy baby girl. We move to the next case. So, ye basically case hai of a 30 years female. Who was previously better with under gastritis index omega and now she was complaining of headache, which is more in the forehead region. The whole head is getting covered. There is excessive throat burning. Headache is there on जब आँख खुलती है तभी headache start होता है. Appetite is less. Stomach feels heavy. So ये medicines, तीन medicine मैंने उन patient को देके रखी because this patient was not staying nearby me. Patient दूर थी, at least 1 hour distance from me. So मैंने ये तीन medicine उसके पास भिजवाई. The उसका आउटकम ये था कि पेशेंट वॉज टाइमिंग बेटर विद लाइकोपोडियम. एपेटाइट इज नॉट देयर. स्टीम एग्रेवेट माई हेडेक. स्टमक इज डिस्टेंडेड, इज फेल्ट मोर. हेडेक इज देयर इन द मॉर्निंग टाइम ऑन सेटिंग. फूड रिगर्जिटेशन इज ऑल्सो हैपनिंग. सो अगर आप रूब्रिक्स देखें तो इरेक्टेशन, फूड रिगर्जिटेशन, इरेक्टेशन, फूड रिगर्जिटेशन ऑफ इन प्रेगनेंसी. तो मेन उसकी कंप्लेन थी गैस्ट्राइटिस. अब ये एक अलग ही सिम्टम मुझे मिला कि इरेक्टेशन ऑफ फूड, रिगर्जिटेशन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. लैक्टिक एसिड इज द मेडिसिन विच इज मेंशन्ड ओवर हियर. लैक्टिक एसिड वाज गिवन टू दिस पेशेंट एंड अमेजिंग रिजल्ट्स. उसकी पूरी प्रेगनेंसी बहुत स्मूथ तरीके से गई उस पेशेंट की. एंड प्रेगनेंसी एक ऐसी सिचुएशन है. चलो लैक्टिक एसिड के बारे में कुछ दो लाइन पढ़ते हैं हम. This acid and then this lines are from S.R. Phatak. This acid is found in buttermilk and is a valuable remedy for morning sicknesses, diabetes, rheumatic affection, breast troubles. It is suitable to anemic, pale women, nausea on waking, better by eating in diabetes or pregnancy, thirst, voracious hunger, fullness or lump like a puff ball in your throat, pain in the breast with enlargement of axillary glands, pain extending to head, rheumatic pain in joints. So, आप देख पा रहे हो कि हमारे generalities में इन्होंने कैसे कैसे symptoms को mention किया है and pregnancy related भी उन्होंने बहुत clean तरीके से
एक्सप्लेन किया. सो वी कैन यूज दिस ड्रग्स इन अवर मैनेजमेंट ऑफ प्रेग्नेंट फीमेल्स. लैक्टिक एसिड फ्रॉम क्लार्क, बर्निंग एंड वेट इन द स्टमक, बर्निंग हॉट गैस फ्रॉम स्टमक टू द थ्रोट, कॉजिंग प्रोफ्यूस सिक्रेशन ऑफ द टेनेशियस म्यूकस, हॉट एक्रिड बेल्चिंग, फूड सोर्स अनइजीनेस इन स्टमक, नॉजिया ऑन राइजिंग इन मॉर्निंग, नॉजिया आफ्टर ब्रेकफास्ट. सो बहुत ब्यूटिफुली हमारे अंदर मेंशन है कि हम नॉर्मली सोचते हैं कि भाई हम कॉमन मेडिसिन दे दें और हमारा काम हो गया. नहीं, हमें आउट ऑफ द बॉक्स हमेशा ही सोचना जरूरी है. बिकॉज हैनिमन सर ने हिमसेल्फ हैज मेंशन कि वेन एवर अ पेशेंट और अ केस कम, आप उसकी हिस्ट्री फिर से लीजिए एंड टेक इट एज अ फ्रेश केस एंड देन अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनॉन कि इसमें आपको मेडिसिन सेम रखनी है, चेंज करनी है, कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन देनी है कि उसका एंटीडोट करना है कि एनी माइजमेटिक इंटरकरेंट देनी है और जस्ट इंटरकरेंट ऑन एन इमोशनल स्टेट आपको देना है. एंड इस तरीके से आप उन पेशेंट्स को हेल्प कर सकते हो. सो आई थैंक यू फॉर योर पेशेंस हियरिंग एंड अटेंडेंस फॉर द टुडेज सेशन. इट इज एन ऑनर फॉर मी टू शेयर माई एक्सपीरियंस. मैंने ज्यादा टाइम उसको नहीं खींचा है बिकॉज जितना शॉर्ट एंड क्रिस्प रहे उतना अंडरस्टैंडिंग में बेटर रहता है, उतनी चीजें हमारे माइंड में रहती है. क्योंकि मैं खुद जब लेक्चर में जाता हूँ तो मैं ज्यादा लिखता नहीं हूँ बिकॉज इट इज द माइंड जहां पर अगर हमारी बातें रहे तो वी कैन 100% यूज दोस थिंग्स इन अवर फर्दर प्रैक्टिस. आई विल हैंड ओवर. थैंक यू सो मच डॉक्टर सौरभ शाह. इट वॉज रियली नाइस एंड आई थिंक जिस तरह आपने अपना ये प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर करा था काफी यूनिक एंड काफी अच्छा था. आई थिंक मैं जो डॉक्टर नहीं है उनको भी काफी समझ आया आपके इस सेशन को अटेंड करके, तो काफी अच्छा था. आप उसको धन्यवाद. और हमारे आज जो डॉक्टर्स हैं हमारे साथ वो अगर डॉक्टर सौरभ से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो प्लीज पूछेगा. हमारे पास एक या दो सवाल लेने का टाइम है. हाँ जी, आपके सवाल पूछना चाहते हैं डॉक्टर्स? आई होप मेरी बातें क्लियर है आप लोगों को. कुछ अगर आपको रहे और आपने कुछ अगर एक्सपीरियंस किया हो अपने प्रैक्टिस में, दिस इज समथिंग डिफरेंट, यू कैन मेंशन रिगार्डिंग दैट आल्सो. आप वहां पर पिंग करिए तो सर वुड लेट यू टू गेट यू अनम्यूटेड बिकॉज आई एम ऑलवेज ओपन फॉर लर्निंग बिकॉज हर डॉक्टर कुछ ना कुछ डिफरेंट चीजें देता है हमारे लर्निंग के अंदर. ऐसी छोटे छोटे पॉइंट्स होती है कि इट क्रिएट्स मैजिक इन आवर प्रैक्टिस. हेलो सर, I have a doubt. My name is Dr. Sukhmanpreet. Sir, I have a case. Can I discuss it with you? I'll only take 2 minutes. There will be 2 minutes for sure. Yes. Sir, actually, I have a patient, recurrent abortion at 3rd month. And after... Which month? 3rd month. After first abortion, she had a regular... But after the second one, for the 1.5 months, she didn't have any menses. So due to amenorrhea, she asked me to prescribe her medicine. But I told her that lining take time for endometritis may happen. So that's why there is amenorrhea. And we can wait for much, much more time. But sir... इस पेशेंट को कितने अबॉर्शन हो चुके हैं मैम? टू अबॉर्शंस. तो मैं क्या कह रहा हूँ ऐसे केसेस में लाइन ऑफ थेरेपी काफी बार सी अबॉर्शन इज अ प्रोसेस जहाँ पे हमारी होल यूट्रस को एक तरीके से आप कंसिडर करो इंजरी हुई है. यस सर. सो काफी बार अच्छी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देने के बाद भी पेशेंट रिकवर नहीं हो पाते, तो ऐसे टाइम पे बेलिस्पर इज वन ऑफ द मेडिसिन विच आई वुड लाइक टू शेयर विद यू. के हम जब इन मेडिसिन को देते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ अ मंथ और टू, उसकी होल मस्कुलर स्ट्रक्चर ऑफ द यूटरस इम्प्रूव्स एंड देन आप अपनी मेडिसिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल है आप उनको दीजिए
Yeah, so as an intercurrent also you can give, it would surely help in the recovery of the uterus, because uterus being an organ, it requires its time to recover. It requires a certain process ke jahan pe recover. Kaafi bar agar aap dekhoge hamare paas jaundice ke cases aate hain, to hum medicines dete hain ki taaki liver improve ho and then it can function in its normal manner. So aapko ek ye approach sochna chahiye ki give a recovery to that organ and then you start it. Yes, sir. I gave her Arnica, but the pregnancy was 30. It didn't have much effect on her. It was given for 7 to 10 days, but she was... Nahin, aap month to dijiye aaram se. Yes, she was very impatient, so she shifted to allopathic. Impatience patients, so dekho, hum handle nahi kar pa. You have to be very clear with what you will be helping those patients. जब हमारे पास कोई प्रेग्नेंट फीमेल आती है या तो ऐसे केसेस आते हैं जो वांट टू कंसीव, हमें उनसे टाइम जरूरत पड़ती है कि मेरा एक इनफर्टिलिटी का केस शेयर करता हूं आपको बेसिकली. इफ यू डोंट माइंड कैन वी टेक वन मोर क्वेश्चन, वी जस्ट हैव टू. बोलिए बोलिए, चलो फटाफट. मैंने आपको आई होप मैंने शॉर्ट में आंसर कर दिया. यू कैन थिंक ऑफ गिविंग बेलिस्फर टू हर और अन हाइपरिकम. ये दो मेडिसिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा. Yes, Search sir. In the old text, वहाँ पर ये mention है उसका. Yes, New sir. Text में नहीं mention है उसका. The potency to start with. Anything you can low potency, you can start 30 or 200, whatever you are okay. Okay, sir. Thank you so much, sir. And Dr. Hari Narayan Prasad, आखिरी सवाल जरा जल्दी पूछिए. आप mute में हैं sir, mute में. Hello. हाँ जी. अच्छा सर, अभी आजकल देखता हूँ प्रेगनेंसी के दौरान रूबेला वायरस पॉजिटिव आ रहा है और जिसके कारण रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस हो रहा है बार बार. टू मंथ में भी हो जाता है, फोर मंथ में भी हो जाता है, इवन 9 मंथ में भी देखा मैंने. उसके लिए क्या रूब्रिक्स लिया जाए और क्या मेडिसिन दिया जाए? रूबेला वायरस पॉजिटिव आ रहा है सर. सो देखो, रूबेला के लिए कोई स्पेसिफिक मेडिसिन तो मैं नहीं कह पाऊंगा आपको, बट देखो एक सिंपल तरीका मैं आपको शेयर करता हूँ कि कैसे होम्योपैथी काम करती है. सो कोविड भी जो आया था, सो वहां पर हमने कोई मेडिसिन ड्यूरिंग कोविड में हमने ऐसे कोई मेडिसिन नहीं दी के भाई कोविड नाम की मेडिसिन का रूब्रिक मिले हमें एंड ऑन दैट बेसिस हमने उसको प्रिस्क्राइब किया. नो, होम्योपैथ कैनॉट प्रिस्क्राइब ऑन दोस. सौरभ, आई एम रियली सॉरी, मैं बहुत माफी चाहता हूँ. मैं आपको डायरेक्ट नंबर दे दूंगा डॉक्टर सौरभ का, डॉक्टर प्रसाद. अभी हम 8 बज गए तो हमें थोड़ा हैंड ओवर करना है इंग्लिश सेशन में. थैंक यू सर.